इसलिए डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट इनिशियली स्टार्टिंग में, अगर आपको दो तीन दिन से ही रिसेंटली सिम्टम शुरू हुए हैं, तो आपको वायरल हुआ है या कॉमन कोल्ड हुआ है या आपको एलर्जिक रिएक्शन है, ये जानना मुश्किल है। Hello everyone, this is Vidushi and you are watching The Good Health Show and today we are going to talk about allergies. Allergies एक ऐसी condition है जिसमें आपको coughing, sneezing, rashes, बहुत सारी problems हो सकती है, लेकिन फिर भी आप confused हो सकते हैं कि ये कोई और major problem है या फिर आपको allergy है। बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन है मेरे, और मुझे पता है कि आपके माइंड में भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और उन्हीं को सॉल्व करने के लिए, उन्हीं को आंसर्स करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज वर्मा सर। हेलो वंस अगेन, कैसे आप? सर, एलर्जीज एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैंने देखा है कि जैसे अगर मैं बात करूँ तो मेरी ही नॉन में है, एंड उन्होंने अपनी लाइफ के 25 ईयर्स उनको पता भी नहीं था कि उनको एलर्जी है। उनको जब भी वो खाना खाती थी तो उनको वॉमिट हो जाती थी या फिर वो बीमार हो जाती थी, एंड बाद में पता लगा कि उनको वीट से एलर्जी है, गेहूं से। तो लाइक गेहूं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टिल एलर्जीज होती है लेकिन हमें पता नहीं लगता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, एंड सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे कॉमन एलर्जेंस है जो देखे जाते हैं जिससे लोग एलर्जेटिक फील करते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक एलर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, एज वी ऑल नो, एंड डे बाय डे इसके इंसिडेंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। देयर आर मेनी काइंड ऑफ एलर्जी, वी कैन डिवाइड इन मेनी मेनली टू फॉर्म्स। एक तो फूड बॉर्न एलर्जीज, दूसरा एयर बॉर्न एलर्जीज। तो जो आपके एयर से, पॉल्यूशन से, टॉक्सिन से, इन्हेलेशन से, स्मोकिंग से या किसी और वजह से जो एलर्जीज होती है उनको एयर बॉर्न एलर्जीज बोलते हैं। जो आपके फूड की वजह से आपको एलर्जीज हो रही है, वो आपकी कुछ भी तरह से खाने में जो आपको लगता है कि आपकी बॉडी को सूट नहीं हो रहा है या आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, तो वो आपकी कहलाएगी फूड बॉर्न एलर्जी। तो अभी मल्टीपल एलर्जीज के कॉजेस हैं, लेकिन जो कॉमन एलर्जीज हैं वो हम डिवाइड करें तो फूड्स में मोस्ट कॉमन इज मिल्क एलर्जीज आर वेरी वेरी कॉमन। The fact is, India में 60-70% population is lactose intolerant. Exactly. So there is again difference between allergy and intolerance. So what's the difference? Allergy is immediate reaction. जैसे ही आपने कुछ खाया, आपको immediate reaction हुआ. Okay. Reaction in form of कि आपकी body पे rashes आ गए, आपको choking feel हुआ, you started vomiting. Even काफी लोगों का BP low हो जाता है. What we call anaphylactic shock तक में भी patient पहुंच जाता है. Even some people may die because of allergy. Okay. Although this response is not very common in India, but it is quite common in abroad, in UK, US and UK. Okay. So that can also happen because of allergy. Sudden immediate reaction is allergy. But what is intolerance? जो आपकी body में day by day आपको immediately feel नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने कुछ गलत खाया है या कुछ गलत toxin inhale किया है, उस वजह से आपकी बॉडी में ग्रेजुअली जो डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी होती है, तो उसके जो सिम्टम्स है वो सामने आते हैं। यानी कुछ बॉडी में एलर्जीज होना, रैशेस होना, इचिंग होना, काफी लोगों को काफी सीजन में स्नीजिंग होती है, आंखों से पानी निकलता है, नोज से पानी निकलता है, स्नीजिंग काफी ज्यादा होती है, कॉफ काफी आता है, एलर्जी कॉफ होता है। अस्थमा हम कह सकते हैं कि एक तरह की एलर्जी का ही एक्सटेंशन है। काफी लोगों को फंगल सीलन से, मोल्ड से एलर्जी होती है। काफी लोगों को, जैसे कि नाउ वी आर सीइंग वीट एलर्जी इज आल्सो वेरी कॉमन। वीट एलर्जी इज नॉट वेरी कॉमन, बट वीट इंटॉलरेंस इज कॉमन। तो डे बाय डे बिकॉज ऑफ द चेंज इन अवर लाइफस्टाइल, द चेंज इन द काइंड ऑफ फूड वी आर टेकिंग, द चेंज इन प्रोसेसिंग ऑफ फूड आल्सो लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ आउटकम्स ऑफ एलर्जी एंड इंटॉलरेंस। ओके सर, हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमको एलर्जी है या फिर हमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गई है या फिर कोई कॉमन कोल्ड हो गया है? लाइक ये बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि जैसे मॉनसून आता है तो लोगों को छींक आने लग जाती है, तो कोल्ड फील होने लगता है, बट उनको समझ नहीं आता क्योंकि एलर्जी हुई है या फिर ये नॉर्मल है। It's very very good question actually. That this is really difficult to differentiate initially starting में, अगर आपको दो तीन दिन से ही recently symptoms शुरू हुए हैं, तो आपको viral हुआ है या common cold हुआ है या आपको allergic reaction है, ये जानना मुश्किल है।
लेकिन कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे अगर आपको वायरल है या कॉमन कोल्ड है तो उसमें आपको स्नीजिंग के अलावा या रनिंग नोज के अलावा बाकी सिम्टम्स भी आएंगे। आपकी बॉडी आपको वीक फील होगी, माइल्जिया होगा, फटीग फील होगा, फीवर हाई ग्रेड आ सकता है, लेकिन एलर्जीज में ऐसा नहीं होता। एलर्जीज आपको परेशान तो करती हैं लेकिन आपकी डेली लिविंग को इतना इफेक्ट नहीं करती अगर वो माइल्ड लेवल पे है। दूसरा, एलर्जी विल बी लॉन्ग लास्टिंग, वो नॉर्मली वायरल फीवर 3 दिन में या 7 डेज में ठीक हो जाता है, लेकिन जो आपकी एलर्जीज हैं, जो स्नीजिंग वगैरह है या रनिंग नोज है, अगर आपको एलर्जी है तो इतनी आसानी से ठीक नहीं होगी। इट विल टेक टाइम टू रेस्पॉन्ड। अगर आपने अपने साइड से कोई एक्शन नहीं लिया या आपने कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन नहीं लिया है तो इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ये एक तो टाइम जोन वुड बी डिफरेंट एंड सिम्टम्स वुड बी स्लाइटली डिफरेंट। तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट है जिनसे हमें पता लग सकता है कि लाइक एलर्जी को टेस्ट करने के लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं? ये मैं जानना चाहूंगी। और क्या डिफरेंट एलर्जीज के डिफरेंट टेस्ट कराने पड़ते हैं या फिर एक ही टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि आपको ये एलर्जी है? So now, this is a good controversial area, I would say. क्योंकि एलर्जी के जो टेस्ट होते हैं वो इतने ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होते हैं। Although some tests are coming very good now. Skin prick test जो होता है, multiple skin allergens से आप टेस्ट करते हैं, इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड, वो हम टेस्ट कर सकते हैं। कुछ उसमें जो कॉमन एंटीजेंस हैं उनको हम टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं कि आपकी बॉडी में उसमें रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिमिलरली कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं, बट ऑल्दो दे आर नॉट वेरी रिलायबल। एंड वन मोर थिंग, के जो आपकी एलर्जी की रेस्पॉन्सेस हैं वो बॉडी में आपका टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। हर कोई इसका कुछ कुछ जेनेटिक रोल होता है, लेकिन इसका में जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा है। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दे गो आउट टू सम लेस लिटिल पॉल्यूटेड एरिया, उनकी एलर्जीज ठीक हो जाती है। तो दैट इज अगेन आपका लोकल एनवायरनमेंट क्या है, आपका खाने का टाइमिंग क्या है, आपके खाने का कंटेंट क्या है। इवन इफ यू रिमूव सम ऑफ योर आइटम्स टू एलर्जी में, तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कि आपका एक्चुअली टाइम, लेकिन टेस्ट करके आप कुछ कुछ सजेशन ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। बट ये है कि अगर आपको द बेस्ट टेस्ट आई वुड से इज टू आपकी जो आपने खुद एक्सपीरियंस किए, बिकॉज जिनको एलर्जीज होती हैं उन्हें पता होता है कि अगर मैंने ये खाना खाया है या मैंने अगर किसी को, जैसे पेंट से एलर्जी है, अगर किसी ने कहाँ पे किसी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कहीं डस्ट है, तो अगर आप उसके एक्सपोजर में गए, यू स्टार्टेड हैविंग सिम्टम्स, देन यू नो इट्स ऑलरेडी प्रूवन, ये आपका प्रूव हो गया है कि आपको एलर्जी है। तो ऐसे केसेस में उससे बचना ही सबसे अच्छा इलाज होता है, जहाँ पे भी आप उस चीज को प्रिवेंट करने के लायक हैं या कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम कंफ्यूज भी हैं कि हमें एलर्जी है या नहीं है, तो कुछ टेस्ट भी अवेलेबल है जी, और खुद के अपने स्टिक्स को भी यूज करना होगा कि हमें, हम किस की तरफ जाते हैं तो हमें कैसा फील होता है। ओके सर, आपने साइंस सिम्टम्स बता दिए, कॉजेज आपने बता दिए, मैं ये जानना चाहूंगी कि जो एलर्जीज हैं वो टाइम टू टाइम भी डेवलप हो सकती है या फिर वो बचपन से होती है हमको, या फिर वो लाइक जैसे हमें कभी भी होती है और हम उसका ख्याल रखने लगते हैं और वो खत्म हो जाए तो दोबारा स्टार्ट हो सकती है?